हेलो फ्रेंड, आई एम विशाल प्रजापति। यू आर वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ फार्मेसी। टुडे आई डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक नेम ब्रेन। प्लीज़ यूज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विथ फार्मेसी। द ब्रेन इज ए लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। जो ब्रेन का ब्रेन एक बड़ा पार्ट है, बड़ा पार्ट और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का है। एंड इट्स फंक्शन एज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इसे मानव शरीर के समन्वय केंद्र भी कहते हैं। पार्ट ऑफ ब्रेन, अब हम पार्ट ऑफ ब्रेन देखते हैं कितने पार्ट होते हैं। देयर आर फोर पार्ट ऑफ ब्रेन। पहला है डाइएन्सेफेलॉन, ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम और सेरिबेलम। फोर पार्ट हैं इसके। डाइएन्सेफेलॉन के भी फोर पार्ट हैं, थैलमस, सब थैलमस, एपिथैलमस, हाइपोथैलमस। और ब्रेन स्टेम के तीन पार्ट हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, टुला ओब्लॉन्गेटा। हम एक एक करके सभी के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं डाइएन्सेफेलॉन क्या होता है। द डाइएन्सेफेलॉन अस ए स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। डाइएन्सेफेलॉन जो होता है ब्रेन का एक स्मॉल पार्ट होता है। डैट इज मोस्टली हिडन फ्रॉम व्यू वेन लुकिंग एट द आउटसाइड ऑफ द ब्रेन। जो बाहर से देखने पर दिखाई नहीं देता है। इट इज डिवाइडेड फोर पार्ट, थैलमस, सब थैलमस, एपिथैलमस, हाइपोथैलमस। हम डाइएन्सेफेलॉन के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, द थैलमस। थैलमस इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर विद इन द ब्रेन लोकेटेड जस्ट एबव द ब्रेन स्टेम बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बीच ब्रेन स्टेम के ठीक ऊपर यह स्थित होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड रेली स्टेशन, या रेली स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट स्टॉप इन थैलमस। जो इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले थैलमस पे आती है, बिफोर बिगेन सेकंड सेरेब्रम एंड लिम सिस्टम। फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होती है सेरेब्रम एंड लिम्ब सिस्टम पर भेजा जाता है। लिम्ब सिस्टम का फंक्शन यही है कि मोशन, लर्निंग, विजन, ईटीसी का फंक्शन है। ये हमारा थैलमस है। अब हम डाइएन्सेफेलॉन के सेकंड पार्ट को देखते हैं, सब थैलमस को। या द सब थैलमस इज मोस्ट वेंट्रल पार्ट ऑफ द डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन का यह मोस्ट पार्ट है। इट लाइज इन बिटवीन द थैलमस एंड द मिड ब्रेन। यह थैलमस और जो मिड ब्रेन होते हैं उसके ऊपर होता है। सब थैलमस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड एंड वाटर इनटेक। जो सब थैलमस फूड और वाटर को इंटेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी। और जो कार्डियो वैस्कुलर एक्टिविटी और हाइड्रेशन को ये मेंटेन करता है सब थैलमस। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं डाइएन्सेफेलॉन का। द एपिथैलमस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इन द ब्रेन। ये ब्रेन का एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लोकेटेड इन द डाइएन्सेफेलॉन आर फोर ब्रेन। जो डाइएन्सेफेलॉन में लोकेटेड होता है, विद इन इट आर ए हेबेनुलर न्यूक्लियाई, पिनियल ग्लैंड एंड द हिस्टीरिया मेडुलरीज। इसके अंदर हेबेनुलर न्यूक्लियाई, पिनियल ग्लैंड एंड हिस्टीरिया मेडुलरीज पाई जाती हैं। दीज स्ट्रक्चर्स फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड कंट्रोल स्लीपिंग वेकअप साइकिल एंड कलेक्टिवली कनेक्ट द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड आल्सो प्ले ए रोल इन रेगुलेशन। यह एक वीटल रोल को प्ले करता है, रेगुलेशन ऑफ वेकअप साइकिल, स्लीपिंग, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कनेक्टिवली कनेक्शन द लिम्बिक सिस्टम। इन सबको आगे देखते हैं। फोर्थ, चौथा पार्ट है डाइएन्सेफेलॉन का। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो
थैलमस एंड एबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। यह थैलमस के नीचे और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर पाया जाता है। इट कनेक्ट द नर्वस सिस्टम विद इंडोक्राइन सिस्टम या पिट्यूटरी ग्लैंड। यह जो इंडोक्राइन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है। द हाइपोथैलेमस इज हाईली इन्वॉल्व इन पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन। जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन जो होता है उसमें एक विटल रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। व्हेन इज रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, यह सिग्नल को नर्वस सिस्टम से कैरी करता है। द हाइपोथैलेमस सीक्रेट सबस्टेंस नोन एज न्यूरो हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस होता है एक एक सबस्टेंट को सिक्रेट करता है जिसे न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। डेट स्टार्ट एंड स्टॉप द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके सिक्रेशन और स्टॉप को पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसे पिट्यूटरी हार्मोन्स भी कहते हैं। ब्रेन स्टेम जो होता है यह मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। पहले हम एक एक करके जैसे मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को एक एक करके देखते हैं। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिलो द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड एबव द हिड ब्रेन। यह सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नीचे और हिंड ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। द मिड ब्रेन इज ए पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मिड ब्रेन जो होता है एक हिस्सा है CNS का। एसोसिएटेड विद द विजन हियरिंग स्लीपिंग एंड वेकअप साइकिल रोशियल एंड टेम्परेचर रेगुलेशन। यह विजन हियरिंग स्लीपिंग वेकअप टेम्परेचर और ETC को रेगुलेट करता है। अब आगे देखते हैं। यह ब्रेन स्टेम का सेकंड पार्ट है। द पोन्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। यह सेकंड पार्ट है ब्रेन स्टेम का, लोकेटेड एवर द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। यह देखिए यहाँ पर मेडुला ऑब्लॉन्गेटा के ऊपर स्थित है और मिड ब्रेन के नीचे। इट ग्रुप ऑफ द नर्वस डेट फंक्शन टू कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम वन साइड टू सेरेब्रम टू एनदर। यह एक एक तरफ से इम्पल्स को लेता है और दूसरे तरफ को भेजता है। यह मेडुला ऑब्लॉन्गेटा है। यह थर्ड पार्ट है ब्रेन स्टेम का। इज ए लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर विच मेक अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। यह एक बड़ा सा हिस्सा है, यहाँ पे देखिए बड़ा सा हिस्सा है जो पोन्स के नीचे स्थित है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोमिक फंक्शन लाइक वोमिटिंग स्नीजिंग। यह वोमिटिंग उल्टी और स्नीजिंग मतलब खांस मतलब जैसे छींक उंक को नियंत्रित करता है। इसके फंक्शन देखिए कार्डियक सेंटर ऑफ मेडुला कंट्रोल्स डेट हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। रिस्पायरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता है एंड ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। रिफ्लक्स सेंटर कंट्रोल करता है एंड कफ और वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब यह ब्रेन का थर्ड पार्ट है। द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। यह अपर मोस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का। द सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फेरस एंड अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ द ब्रेन। यह टोटल वेट ऑफ ब्रेन का 2 से 3 भाग होता है। वन हेमिस्फेरस यूजली द लेफ्ट, एक हेमिस्फेरस लेफ्ट में यूज होता है। इस फंसली डोमिनेंट कंट्रोलिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। यह लैंग्वेज और स्पीच को कंट्रोल करता है। द अदर हेमिस्फेरस इंटरप्रेट विजुअल एंड स्पाटुअल इंफॉर्मेशन। यह अन्य हेमिस्फेरस दृश्य और स्थानीय इंफॉर्मेशन
की व्याख्या करता है। लास्ट लास्ट है ये सेरिब्रम लोकेटेड बैट्स बैक साइड ऑफ ब्रेन। यह यहाँ पे देखिए, ये है सेरिब्रम। द सेरिब्रम रिसीव इंफॉर्मेशन फॉर द सेंसरी सिस्टम। यह जो होता है इंफॉर्मेशन को सेंसरी सिस्टम के द्वारा रिसीव करता है। द स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और स्पाइनल कॉर्ड का अदर पार्ट ब्रेन ब्रेन का, एंड द रेगुलेट मोटर मूवमेंट, और मोटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है। द सेरेब्रम कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट सच एज पोस्टर। द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट वॉलंटरी मूवमेंट सच एज पोस्टर बैलेंस कोऑर्डिनेट एंड स्पीच रिजल्टिंग इन स्मूथ एंड बैलेंस मस्कुलर एक्टिविटी। यह निर्देशांक संतुलन जैसे वोमिटिंग मोटर मूवमेंट आदि को कंट्रोल करता है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लर्निंग अबाउट बिहेवियर, और व्यवहार लर्निंग मोटर बिहेवियर आदि को भी कंट्रोल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ यू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।